हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप म्यूचुअल फंड पे एक रेगुलर इन्वेस्टर हो तो आपको नए जो म्यूचुअल फंड ऑफर टाइम टू टाइम आता है उस पे कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि नए म्यूचुअल फंड जो बनाया जाता है वो प्रेजेंट सिनेरियो को देखकर फंड मैनेजर बनाते हैं और इस पे अच्छे रिटर्न आने का उम्मीद भी रहता है। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसे चार नए म्यूचुअल फंड के ऑफ़र जो कि हाल ही पे मार्केट पे आया है और कुछ दिनों के बाद उनके ऑफर के जो डेट है वो भी क्लोज हो जाएगा। तो इस बारे में मैं आपके साथ फंड के सारे फंड के से इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, कॉमेंट भी कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए और लास्टली चैनल को सब्सक्राइब की करना मत भूलिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो दो नए म्यूचुअल फंड मार्केट पे आया है वो आया है रिलायंस म्यूचुअल फंड के तरफ से। फर्स्ट है रिलायंस कैपिटल बिल्डर फंड 4 सीरीज सी, और इनका जो फंड ऑफर स्टार्ट हुआ है वो 1 दिसंबर से हुआ है और जो क्लोज होगा वो 15 दिसंबर को होगा और इनके टेन्योर है 1185 डेज, जो कि है 3 साल और 3 महीना आपको इन्वेस्टमेंट इस पे रखना पड़ेगा। और दिस इज़ ए क्लोज एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम। हम इनके थोड़ा सा स्कीम इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो ये है रिलायंस कैपिटल बिल्डर एंड 4 सीरीज सी, और ये जो मैंने बताया क्लोज एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है और इस पे जो रिस्क है वो मॉडरेटली हाई है, क्योंकि यहाँ पर दिस फंड विल इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट विथ स्मॉल एक्सपोजर टू फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट पे ये निवेश करेगा और थोड़ा सा अमाउंट 20% तक ये डेट और सिक्योरिटीज़ पे भी इन्वेस्ट करने वाला है, तो इसलिए ये मॉडरेटली हाई है। और ऑफर सेल फॉर यूनिट है ₹10 पर यूनिट। ये दोनों प्लान पे भी अवेलेबल है, रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान। तो अगर आप कोई एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहो तो रेगुलर प्लान पे भी जा सकते हो, और खुद इन्वेस्ट करना चाहो तो डायरेक्ट प्लान भी चूज़ कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 5,000 रुपीज़ है और आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा 1185 डेज, ये 3 साल 3 महीना आपको इस फंड पे इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो फंड है वो है रिलायंस फिक्स्ड होराइजन फंड 35 सीरीज 11, और ये एक डेट फंड है जिनका जिनका ऑफर स्टार्ट होगा कल से, दैट मींस 11th ऑफ दिसंबर, और क्लोज होगा 13th ऑफ दिसंबर, और टेन्योर जो है वो है 1242 डेज, और ये एक क्लोज एंडेड इनकम स्कीम है। थोड़ा सा हम इसके देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन को। ये रिस्कोमीटर पे जो रिस्क है वो है मॉडरेट, और ये इन्वेस्ट करने वाला है डेट, मनी मार्केट एंड जी सेक्टर, दैट मींस गवर्नमेंट सेक्टर इंस्ट्रूमेंट। गवर्नमेंट के जो फिस्कल डेफिसिट है उसको भरने के लिए गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज मार्केट पे ले आता है वहाँ पर भी इन्वेस्ट करने वाला है। तो इस पे जो रिटर्न होगा वो आई थिंक 8-10% तक हो सकता है, क्योंकि ये टोटली डेट एंड मनी मार्केट सेक्टर पे ही इन्वेस्ट करने वाला है, इस पे इक्विटी पे इन्वेस्ट नहीं करने वाला। तो एक फिक्स्ड इनकम यहाँ से आ सकता है, तो इसके लिए आपको 1242 डेज आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगला जो दो फंड है वो है यूटीआई म्यूचुअल फंड के तरफ से, जो कि एक है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। तो पहले हम जान लेते हैं यूटीआई फिक्स्ड टर्म इनकम फंड सीरीज 28-2, और इसका जो टेन्योर है वो है 1210 डेज। ये एक डेट फंड है जो कि डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट करने वाला है आपका मनी, और रिस्क जो मीटर पे आप दिखाएगा वो है मॉडरेट। इनका जो ऑफर क्लोज हुआ है वो नवंबर 27 से, और फंड जो क्लोज होगा वो दिसंबर
12/2017 को होगा और पर यूनिट जो आपको देना पड़ेगा वो है ₹10। एलॉटमेंट डेट जो है वो 13/12/2017। बेंचमार्क जो फॉलो करने वाला है इस फंड वो है BSE 200 और फंड मैनेजर जो रहेगा वो है श्री सुनील पटेल। मैच्योरिटी डेट जिस तरीके को आपको मैच्योर होने वाला है वो है April 6, 2021। नेक्स्ट जो फंड है वो है UTI लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड सीरीज 6 और इस पे ये मॉडरेटली हाई है क्योंकि इक्विटी पे ये इन्वेस्ट करने वाला है और ये 10 साल आपको मनी इस फंड पे इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। जो ऑफर ओपन हुआ है वो October 4, 2017 और जो ऑफर क्लोज होगा वो है January 12, 2018 को। एलॉटमेंट डेट जो है वो January 18, 2018 है और BSE 200 को ये फॉलो करके चलेगा। फंड मैनेजर जो है वो है ललित नंबियार। मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिलेगा January 18, 2028। इसका मतलब हुआ कि 10 साल आपको इस फंड पे इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। और एक बात है कि इस फंड से आपको 80C के अनुसार आपको टैक्स छूट भी मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। Thank you very much. Please like the video and share. Please comment and subscribe the channel. Thank you.